माझ्यामधून सुद्धा सैराजनी खूप चांगला परफॉर्मन्स केला. सन्माननीय अजित वाडेकर साहेब ज्यांनी भारताला पहिला परदेशात पहिल्या चार षटकात 23 धावा आणि या षटकात तब्बल 20 धावा गेलेले. व्हॉट अ बॅटिंग. 43 धावसंख्या. गेसू अटॅकिंग मोड मध्ये विस्फोटक फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी सैराज भोतकुले आणि अजित वाडेकर यांचं आगमन झालंय. दीपक जाधव व्यासपीठावर बसलेले आहेत. आमचे 10 PL चे हरीफ भाई सुद्धा आमच्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एसीबी गावंकर साहेब सुद्धा आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. हे सगळे मान्यवर सामना एन्जॉय करत असतात. थोड्याच गाण्यात तुम्ही सैराज भोतकुले आणि अजित वाडेकर यांना व्यासपीठावर बघू शकाल. चषकला फायनल लास्ट साईडला स्वीप करायचा प्रयत्न चेंडू येतो ऑफ साईडला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कव्हर करेपर्यंत कहां पर गेम को भेजना है, भेज दूंगा. यहाँ पे मैं सूर्यमणि सर को रोकना चाहूंगा. हम आरिफ खान जी का बाइक ले रहे हैं, दो मिनट के लिए रोकना चाहूंगा. थैंक यू सो मच. आपका स्वागत है सर. सर इस साल भी आप इस सीजन में मौजूद है यहाँ पे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ. इट्स वन ऑफ द बेस्ट इवेंट. और आज आप मैंने ट्रैवल किया है, मैंने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पहुंच चुका है इसका, यानी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है. मैं तो सोच लग रहा है उतली दीपक जाधव प्रतीक्षा पुन्हा एकदा पावले गोल केलाय. क्लीन गोल. हा देणार चेंडू ऑफ साईडला मारायचा प्रयत्न व्यक्त केला की त्याला खेळायचंय. आज त्यांना आपण खेळताना त्या ठिकाणी सेलिब्रिटी क्रिकेट मध्ये बघू शकतो. त्यावर बॉलिवूड स्टार आणि क्रिकेटर्स समोरासमोर असतील. पावले पोटा चेंडू घेऊन पडल्यानंतर चेंडू अपेक्षापेक्षा जास्त वरती येतोय. बी टोक असताना फलंदाज धावसंख्या थांबली मैदानावरती 56 वर लॉस. और जो माहौल यहाँ देखने के लिए मिलता है खुशी होती है. और ये फिर से मैं कहना चाहूंगा कि IPL को 10 साल हुए हैं, अभी तक मैंने एक भी मैच लाइव देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 साल में आके ये माहौल देख रहा हूँ. बड़ी खुशी होती है. बड़ा दुख होता है, हमारे जो जवान है वो लड़ रहे हैं. नहीं, बड़ा दुख होता है. हमारे जवान जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, और जो भी हो रहा है मुझे बड़ा दुख होता है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे भाई यहाँ है. ये नहीं नहीं ये भाई है जो हमारी जो शुरुआत हुई थी ऐसे ही टेनिस बॉल से हुई थी. चाहे आप सुनील गावस्कर की बात करो, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, जितने सारे क्रिकेटर्स बंबई से आए हैं, बड़े हुए हैं, ये टेनिस बॉल खेल के बड़े हुए हैं. और बड़ी बड़ी खुशी होती है कि भाई जो ये जो इनको मौके दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे टूर्नामेंट से और हमारे से अच्छे क्रिकेटर भारत को मिले. थैंक यू. मुझे लगता है कि सुप्रीमो कप ये एक ऐसा कप हुआ है हिंदुस्तान में. मैं ये 7वां साल है ये, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय पोतनी साहब का, अनिल परब साहब का, और सभी खिलाड़ियों का. आप सिर्फ मुंबई से ही नहीं आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से टेनिस बॉल का ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं. मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट बहुत पॉपुलर होते जा रहा है दिन ब दिन, और जिसके नाम पे ये टूर्नामेंट होता है
वो खुद इंसान एक ऐसे इंसान थे कि है ना, हिंदुस्तान को गर्व है उस इंसान पे। आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब के नाम पे ये टूर्नामेंट चलता है। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट आने वाले समय में जैसा आज टीवी के सामने हम लोग सब बैठ के आईपीएल देखते हैं, वैसा ये टेनिस बॉल का टूर्नामेंट भी होगा। और मुझे लगता है कि क्रिकेट के ना दो दिग्गज साथ में हैं और निलेश भी आए हैं। सबर्बन क्रिकेट के मसीहा और सबर्बन क्रिकेट को पूरे मुंबई के सामने लाने वाले हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आज दोनों के मैच बीच में जो मैच होने लगे वो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और मैच खेलने के बाद में उनका अपना वही जो ताकत और वही जो खेल अभी तक बाकी है कि वो देखना है। पब्लिक इसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। चार दिन के पाँच दिन के बाद में आज उनका जो सपना है या उसका जो इच्छा था कि ये ग्राउंड पे सेलिब्रिटी का मैच हो, जो लीजेंड क्रिकेटर है और बॉलीवुड के लोग एक साथ में उनको खिलाना, ये हमारा जो कर्तव्य तो हमने पूरा किया। अभी पब्लिक उसका इंतजार करेगी, इन लोग कभी खेल रहे। मुझे लगता है ये सब पहला खेलने के बाद में हम लोग ये इंटरव्यू वगैरह दें। थैंक यू। स्कोर हो चुका है। अब एक मैच जीतने के लिए रन चाहिए। बाला दोनों से अभी फाइनल में कितना बड़ा विकेट का पास रहा है, 105 है और दूसरे में सोहेल है। टारगेट जो है वो 29 का है, केवल 68 वाइस कैप्टन बने हैं। और अभी टेनिस मैच है तो उसके लिए हम लोग बैठेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। बातचीत जारी रहेगी। आप मॉनिटर पर देख रहे हैं निलेश कुलकर्णी टेस्ट मैच में अपनी आज आ रहे हैं। काफी लोग हैं, रजनीश है, कबीर है, कामयाबी उन्होंने हासिल की अपने जीवन में। सुनील शेट्टी थे तो ये लोग भी पहुंचने वाले हैं, बस वो ट्रैफिक सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं बाहर। सौरभ की अगली गेंद इस बार इन जो आम जो क्रिकेट इसका कंपटीशन चल रहा है चींटी की गति से खेलेंगे। हमारे साथ कबीर है, स्पिन का जादू आप देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिन भी जब बात आती है तो पद्माकर शिवलकर साहब की याद आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके करियर में पहली बार जब उनको बॉलिंग करने के लिए टूर्नामेंट हम खेले हैं खेलते हैं जैसे सीसीएल खेलते हैं जी ने जब उनके पहले वो सब मिक्सचर ऑफ ग्लैमर और क्रिकेट है। यहां पर जो है एक कॉमन आइडियोलॉजी लेकर ये 6 साल से जो टूर्नामेंट चला, ये 7वां साल है। इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव। क्या क्या ग्रास रूट लेवल से लोगों को जोड़ रहे हैं, एक साथ लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। लोग एक साथ आएंगे, इट्स सेलिब्रेशन ऑफ नॉट ओनली क्रिकेट बट सेलिब्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ व्हाट सुप्रीमो स्टैंड्स फॉर। कहीं ना कहीं टीवी रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास और साफ बीट होते हुए अब ऑन टू है। देखिए सपोर्ट जो है एनी इनिशिएटिव व्हिच इज जो लोगों के लिए हो, तो इतने सारे जुड़ने के लिए अगर आदमी सामने आए तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग। यू सी सो मेनी स्माइलिंग फेसेस अवर हियर, वो इस बात का इट्स अ कॉन्फिडेंट अपील टू द पीपल टू कम टुगेदर। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड प्लेटफार्म फॉर एवरीवन। अभी अजनबी थे, इनको प्लेटफार्म मिलता नहीं है जो गांव से आते हैं, छोटे-छोटे शहरों से। कैमरा लुक सर, कैमरा उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफार्म एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज हियर। आई मीन जस्ट यू कैन सी हाँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे हैं, आप सामने ही देख रहे हैं, आपके सामने पूरा लुक चेंज है यहाँ का। और लुक एट द क्राउड, आई मीन
यूट्यूब पे लाइव है, इट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए, फॉर फॉर अ छोटे शहर के जो खिलाड़ी, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बच पर हमारे तमाम मेहमान आ चुके हैं, इंतजार है काफी अच्छा। भारतीय लोकसभा के माजी स्पीकर शिवशाही सरकार के पहले मुख्यमंत्री और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के माजी अध्यक्ष, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, प्रिंसिपल मनोज जोशी जी बैट्समैन होगा बैटिंग के। आज हमारे जो सत्कार मूर्ति है, उन सत्कार मूर्तियों को हम एक एलीट लीग में बिठाने जा रहे हैं, उन तमाम महान हस्तियों को जिसमें आज सत्कार होने जा रहा है। सम्मानित अजीत वाडेकर जी, पद्माकर शिवलकर जी, संदीप पाटिल जी, दिलीप भिक्षरकर जी, उमेश मांजरेकर, ये तमाम शख्सियत जिनका सत्कार होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।